आज के इस वीडियो में हम आपको ड्रामा सीरियल फेरी टेल की मुकम्मल कास्ट की असल नेम और उम्र के बारे में बताएंगे, क्योंकि ड्रामा सीरियल फेरी टेल रमजान स्पेशल ड्रामा सीरियल है और काफी सुपर डुपर और हाई रेटिंग हो रहा है। इस ड्रामे में बहुत से चेहरे ऐसे हैं जिनको आप आज से पहले नहीं जानते, जैसे कि लीड कास्ट में सहर खान के साथ अदनान रजा मीर अपनी बेहतरीन अदाकारी के जोहर दिखा रहे हैं। और अदनान रजा मीर के बारे में आपको बताते चलें तो ये मशहूर अदाकार अहद रजा मीर के भाई हैं। तो ड्रामा सीरियल फेरी टेल के मुकम्मल कास्ट की असल नाम और उम्र जानने के लिए वीडियो को बगैर स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें। और अगर आपको भी ड्रामा सीरियल फेरी टेल पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दें। नंबर वन, हिना रजवी। पाकिस्तान की मोस्ट टैलेंटेड अदाकारा हिना रजवी ड्रामा सीरियल फेरी टेल में अपनी बेहतरीन अदाकारी के जोहर दिखा रही हैं। और ये 16 मार्च 1981 को लाहौर में पैदा हुई और इस वक्त 2023 के लिहाज से इनकी उम्र 41 साल हो चुकी है। नंबर टू, सलीम शेख। पाकिस्तान के मोस्ट टैलेंटेड टेलीविजन एक्टर और फिल्म एक्टर सलीम शेख भी रमजान स्पेशल ड्रामा सीरियल फेरी टेल में शानदार एक्टिंग का मुजाहरा कर रहे हैं। ये 15 मार्च 1967 को रावलपिंडी में पैदा हुए और इस वक्त 55 बरस के हो चुके हैं। नंबर थ्री, आमना यूसुफा सैफ। पाकिस्तान शोबिज इंडस्ट्री में ये उभरता हुआ सितारा है जो कि ड्रामा सीरियल फेरी टेल में अपनी शानदार अदाकारी का मुजाहरा कर रही है और लोगों की आंखों का मरकज बन रही है। आमना यूसुफा सैफ इस वक्त 31 साल की हो चुकी है। नंबर फोर, अली सफीना। पाकिस्तान के मोस्ट टैलेंटेड अदाकार अली सफीना रमजान स्पेशल ड्रामा सीरियल्स में नजर आते रहते हैं, सुनो चंदा और चुपके चुपके में भी। इनकी अदाकारी को बेहद पसंद किया जाता है और इनके फैंस की तादाद लाखों नहीं बल्कि करोड़ों में है। 18 दिसंबर 1983 को मुल्तान में पैदा होने वाले अली सफीना 2023 के लिहाज से 39 साल के हो चुके हैं। वीडियो को मजीद आगे बढ़ाने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। नंबर फाइव, सलमा हसन। अदाकारा सलमा हसन भी ड्रामा सीरियल फेरी टेल में अपनी शानदार अदाकारी का मुजाहरा कर रही हैं और ये 25 फरवरी 1975 को कराची में पैदा हुई और 2023 के लिहाज से 48 बरस की हो चुकी हैं। नंबर सिक्स, अदनान रजा मीर, जो कि ड्रामा सीरियल फेरी टेल में लीड रोल प्ले कर रहे हैं और इनकी शानदार अदाकारी को बेहद पसंद किया जा रहा है और ऑन स्क्रीन ये लोगों की आंखों का मरकज बन रहे हैं। इनके बारे में खास बात आपको बताते चले कि अदनान रजा मीर का ड्रामा इंडस्ट्री में ये पहला कदम है और फेरी टेल इनका पहला ड्रामा सीरियल है। आप लोग इनकी शानदार अदाकारी के बारे में क्या कहेंगे और इनका ड्रामा सीरियल फेरी टेल का फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दें। अगर इनकी उम्र की बात की जाए तो अदनान रजा मीर इस वक्त 25 साल के हो चुके हैं। नंबर सेवन, आयना खान। आयना खान भी पाकिस्तान के उभरते हुए अदाकारों में शुमार रखती हैं और अपनी बेहतरीन अदाकारी और खूबसूरती से आसमान में सितारों की मानिंद चमक रही हैं। अगर आयना की उम्र की बात की जाए तो ये 2023 के लिहाज से 24 साल की हो चुकी हैं। नंबर एट, हमजा सोहेल। शानदार पर्सनैलिटी के मालिक हमजा सोहेल भी ड्रामा सीरियल फेरी टेल में अपनी शानदार अदाकारी का जलवा दिखा रहे हैं और इनके फैंस की तादाद भी लाखों नहीं बल्कि करोड़ों में है। इन्होंने अपने शोबिज करियर का आगाज ड्रामा सीरियल रकीब में डेब्यू करके किया था। अगर बात इनकी उम्र की जाए तो हमजा सोहेल भी 25 साल के हो चुके हैं। लास्ट पर बात कर लेते हैं लाखों दिलों की धड़कन खूबसूरत अदाकारा सहर खान की, जो की ड्रामा सीरियल फेरी टेल में शानदार अदाकारी के जोहर दिखा रही है और इनकी खूबसूरती और अदाकारी से इनके फैंस की तादाद लाखों नहीं बल्कि करोड़ों में बढ़ रही है। और अगर आपको भी सहर खान पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दें। सहर खान की उम्र की बात की जाए तो ये 2023 के लिहाज से 30 साल की हो चुकी हैं। आप लोगों को ड्रामा सीरियल फेरी टेल कैसा लगता है और इस ड्रामे में आने वाले अदाकारों के असल नाम और उम्र जानकर कैसा लगा कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और मेरे चैनल डिजिटल सेलिब्रिटीज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।